आज बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी शासित तीनों नगर निगमों के महापौर व दिल्ली के सभी बीजेपी निगम पार्षदों ने सीएजी कार्यालय के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन किया। हालांकि कई दिनों से बीजेपी के महापौर व निगम पार्षद अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देकर बैठे हैं। मामला निगमों के 13,000 करोड़ रुपए का है, जिसकी मांग एमसीडी द्वारा लगातार केजरीवाल सरकार से की जा रही है। महापौरों का दावा है कि यह कोष निगमों का आम आदमी पार्टी सरकार पर बकाया है। तीन महापौरों जयप्रकाश, अनामिका और निर्मल जैन ने संयुक्त रूप से दावा किया कि निगमों के दिल्ली सरकार पर कुल 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। मोहन गार्डन 25S के निगम पार्षद श्याम मिश्रा से जब हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार ने बात की तो उन्होंने बताया कि वह और तीनों महापौर व सभी निगम पार्षद कई दिनों से धरना दिए हुए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, आप नगर निगम का हक क्यों मार रहे हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नगर निगम का हक, सफाई कर्मियों का हक, हमारे कोरोना वॉरियर्स का हक क्यों मार रहे हैं? ये ऐसी भावना आपके अंदर कब पैदा हो गई? क्या आप दिल्ली की कुर्सी मिलने के बाद आपके अंदर ऐसी भावना पैदा हो गई? हमें तो यही लगता है कि आपको दिल्ली की कुर्सी में अहंकार आ गया, घमंड आ गया है और उसके बाद आप हिटलर बन गए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल को केंद्र सरकार और मोदी जी द्वारा किए गए जनहित के कार्यों में कमियां दिखती है, लेकिन उनके द्वारा 13,000 रुपए न देने पर सभी हेल्थ वर्कर्स, एमसीडी के कर्मचारियों और सहयोगी संस्थानों की तनख्वाह रुकी हुई है, वह उनको दिखाई नहीं देती। देखिए, हम लोग आज पूरे तीनों नगर निगम के निगम पार्षद और हम अपने पूरे नेतृत्व, हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदूरी जी आज हम लोग के इस धरना में उपस्थित हुए और हम लोग सांकेतिक धरना दिए हैं और हम लोग केजरीवाल जी से मांग कर रहे हैं कि जो हमारा नगर निगम का बकाया पैसा है वो वापस दिया जाए। और आपको पता है कि ये सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा है, एरियर का पैसा है, पेंशन का पैसा है, ये जो हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं अभी कोरोना काल में, डॉक्टर या जो डिस्पेंसरी के जो स्टाफ है उनका पैसा देना है, तो ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई राजनीतिकरण नहीं है। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो बकाया पैसा है वो वापस करें, यही हमारा डिमांड है, यही हमारी मांग है और ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी संसद में किसान बिल फाड़ देते हैं क्योंकि वह उन्हें असंवैधानिक लगता है। कर्मचारियों की तनख्वाह रोकना उनके लिए संवैधानिक है। NBC न्यूज के लिए दिल्ली से संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।